हवा हवाई वादे किए, सरकार बनी तो कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए। अब वादे पूरे करने की जगह कांग्रेस ने जनता से वसूली का अभियान चलाया हुआ है। कर्नाटक में आए दिन कोई न कोई घोटाला सामने आ रहा है, यानी कर्नाटक में कांग्रेस जनता को खुलेआम लूट रही है। आरोप है कि लूट का यही पैसा महाराष्ट्र में भेजकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। अगर हमें महाराष्ट्र को बचाना है तो कांग्रेस नाम की इस आफत को दूर ही रखना है। साथियों, पूरा देश इन दिनों कांग्रेस का एक और विश्वासघात देख रहा है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास किया है। जो लोग संविधान की किताबें देश को दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र में कोरे कागजों वाली किताब बांट रहे हैं, जरा मैं उनको पूछना चाहता हूं, 6-6, 7-7 दशक तक उन्होंने देश पर राज किया है, जरा बताएं, बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू क्यों नहीं हुआ? 6-6, 7-7 दशक तक बाबा साहब का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं था। आपको भी सुनकर के शायद आश्चर्य होता होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जम्मू कश्मीर में अलग विधान था, भारत का संविधान वहां नहीं चलता था, वहां का विधान अलग, वहां का प्रधान अलग, वहां का निशान अलग। 6-6, 7-7 दशक तक पहली बार बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में तब पहुंचा जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता था। आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ देशवासियों की प्रबल इच्छा शक्ति से आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया है। जिसने कश्मीर को भारत से काटने का काम किया, 370 जिसने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा दी, 370 जिसने कश्मीर में भारत का संविधान
लागू नहीं होने दिया। बीजेपी ने उसे खत्म करके कश्मीर में तिरंगा फहराया है। हमने कश्मीर में शांति बहाल की, अलगाववादियों के मंसूबों को नाकाम किया। जिस लाल चौक में कभी हिंदुस्तान के तिरंगों को जूते के नीचे रौंदा जाता था, आज शान से लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरता है। इस बार दिवाली में लोगों ने देखा है,